Hello dear students, today we are going to enjoy a very interesting chapter which will enable us to understand different forms of art. It will tell us what is the role of man in this universe. Yes dear students, it is chapter number 4 in your book Hornbill and the title is Landscape of the Soul. Now let's see its title, Landscape of the Soul. Landscape means एक ऐसी पेंटिंग जिसमें माउंटेन, वाटर या किसी भी नेचुरल सीनरी को डिपिक्ट किया जाता है. और अब यहाँ पर है सोल, मन का, इनर स्पिरिट का, आत्मा का लैंडस्केप. रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी कैप्टिवेटिव एंड यू विल श्योरली इंजॉय दिस चैप्टर. नेथली ट्रूविरॉय इज द राइटर ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर. शी इज एन आर्ट हिस्टोरियन. इन हर वर्क्स शी हैज ट्राइड टू डिपिक्ट द माइंड, फीलिंग्स, imagination and psychology of different artists, different painters. अब बच्चों देखो, राइटर क्या है? एक आर्ट हिस्टोरियन. उन्होंने बहुत सारे देशों की डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है. तो इस चैप्टर में भी वो हमें बताती हैं एशियन और यूरोपियन लैंडस्केप पेंटिंग में क्या डिफरेंस है. शी कॉन्ट्रास्ट द यूरोपियन फॉर्म ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग विद द एशियन फॉर्म ऑफ आर्ट. Then she tells us what is the role of man in the universe. बच्चों अब आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि कैसे एशियन और यूरोपियन लैंडस्केप पेंटिंग के बीच डिफरेंस बताने के बाद वो सीधा ही एक डीप थॉट को प्रेजेंट कर देती हैं. आखिर इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में क्या कनेक्शन है? ये सस्पेंस तो चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज एन एक्सर्प्ट from Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality in Chinese Painting. After a discussion of the difference between European and Asian painting, the writer presents an article which was written by Brinda Suri and it was published in Hindustan Times. The article tells us about the rock garden and its creator Nek Chand. So now let's start reading of this beautiful chapter. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. बच्चों जैसे हमारे देश में अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती हैं राजा, रानी, जादूगर, राक्षस के बारे में, तो ऐसे ही राइटर बताती हैं कि चाइना में भी अलग अलग तरीके की कहानी सुनाई जाती है. और वो चैप्टर के बिगनिंग में ही बताती हैं एक चाइनीज पेंटर वु डाउजी के बारे में जो 8वीं शताब्दी में रहता था और उसके बारे में अद्भुत पुरानी कहानी सुनाई जाती है. क्या है उसकी कहानी? हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर Zhuangzong to decorate a palace wall. उसकी आखिरी पेंटिंग थी एक लैंडस्केप जो उसने टैंग सम्राट Zhuangzong के कहने से बनाई थी. बच्चों टैंग चाइना की एक डायनेस्टी का नाम है, तो टैंग सम्राट Zhuangzong ने इस पेंटर को ऑर्डर दिया कि एक लैंडस्केप पेंटिंग बनाई जाए. और किस चीज के लिए? टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, महल की दीवार को सजाने के लिए एक पेंटिंग बनाई जाए. अब वु डाउजी ने ऐसी पेंटिंग बना दी. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. अब यहाँ पर master है Wu Daozi. Wu Daozi ने पेंटिंग तो बना दी लेकिन उसे एक स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे छिपा दिया ताकि केवल सम्राट ही इसको देख सके. For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. अब देखो बच्चों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एक लैंडस्केप पेंटिंग थी, तो इस पेंटिंग में बहुत ही अद्भुत नज़ारे थे. बड़े बड़े फॉरेस्ट थे, ऊंचे पर्वत, झरने, असीम आसमान में तैरते हुए बादल और पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए आदमी और आसमान में उड़ते हुए पक्षी. तो जब सम्राट ने इस पेंटिंग को देखा तो वो काफ़ी लंबे समय तक इस पेंटिंग की तारीफ करता रहा. Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. Painter बोला, महाराज देखिए, इस गुफा में पहाड़ के नीचे एक आत्मा रहती है. The painter clapped his hands and the entrance to the cave
ओपन्ड। उस पेंटर ने ताली बजाई और गुफा का दरवाजा खुल गया। यस बच्चों, है ना हैरानी की बात, कैसे एक पेंटिंग में कोई एंटर करने वाला था। यस, ये पेंटर महाराज के साथ पेंटिंग में एंटर करने वाला है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। महाराज, गुफा के अंदर तो बहुत ही शानदार नजारा है, शब्दों में इसकी खूबसूरती को बयां किया ही नहीं जा सकता। आइए महाराज, कृपया मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। बच्चों, बहुत ही अजीब सी बात है, ये पेंटर वुडहाउजी महाराज के साथ पेंटिंग में बनी हुई गुफा में एंटर करने वाला है। द पेंटर एंटर्ड द केव। पेंटर गुफा के अंदर घुस गया, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। लेकिन जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसा तो गुफा का दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और उससे पहले कि हैरान सम्राट हिल पाता या कोई शब्द बोल ही पाता, पेंटिंग दीवार से ही वैनिश हो गई। बच्चों, पेंटिंग दीवार से गायब हो गई थी। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडहाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट। वुडहाउजी के ब्रश का कोई भी निशान नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और इस दुनिया में उस कलाकार को, उस पेंटर वुडहाउजी को फिर कभी दोबारा नहीं देखा गया। सो दिस इज द अमेजिंग स्टोरी विच इज टोल्ड इन चाइना। देन द राइटर सेज, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। ऐसी कहानियाँ चाइना की प्राचीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूकियस एंड ज्वेंगजी आर फुल ऑफ देम। फिर राइटर बताती है चाइना के दो फेमस फिलोसोफर्स के बारे में कि इन दोनों फिलोसोफर्स की बुक्स में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और उनकी बुक से एक मास्टर को, एक टीचर को हेल्प मिलती है ताकि वो अपने डिसाइपल, अपने शिष्य को सही दिशा में चलने के लिए गाइड कर सके। बच्चों, जैसे देखो हमारे यहाँ भी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो हर देश में ऐसी मोरल एजुकेशन वाली बुक्स होती हैं। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. अब राइटर कहती हैं, anecdote के अलावा, anecdote means a short, amusing story about a real incident, कि ये books कहानियाँ तो बताती ही हैं, साथ ही साथ ये उस spirit, उस भावना या feeling को भी reveal करती हैं, बताती हैं, जिसके through एक art को consider किया जाता है, जिससे कला के बारे में विचार किया जाता है। बच्चों, अब राइटर हमें एक और मजेदार फेमस चाइनीज कहानी सुनाने वाली है। शी सेज, कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। राइटर कहती हैं कि एक और फेमस कहानी एक पेंटर के बारे में जिसने ड्रैगन को पेंट कर लिया लेकिन उसकी आँख ड्रॉ नहीं की क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ड्रैगन पेंटिंग में से उड़कर बाहर आ जाएगा। अब राइटर कहती हैं कि एक तो कहानी वुडहाउजी वाली और एक ये ड्रैगन वाली पेंटर की कहानी, इन दोनों कहानियों को आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए किसके साथ, विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। इन दोनों कहानियों को मेरे देश फ्लैंडर्स की पुरानी कहानी से कॉन्ट्रास्ट कीजिए। राइटर का देश है फ्लैंडर्स, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। अब राइटर कहती है कि ये जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, वेस्टर्न यूरोपियन कहानी, ये वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब एक ऐसी कहानी जिससे हमें पता चलने वाला है बच्चों कि वेस्टर्न पेंटिंग की क्या खास बातें होती हैं। The writer says, in the 15th century Antwerp, a city in Belgium, a master blacksmith called Quinten Metsys fell in love with a painter's daughter. 15th century में बेल्जियम के एक शहर एंटवर्प में एक ब्लैकस्मिथ मींस लोहार रहता था जिसका नाम था क्विंटन मेटसिस। उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया।
the father would not accept a son-in-law in such a profession. लेकिन लड़की का पिता एक ऐसे व्यक्ति को अपना दामाद मानने के लिए तैयार ही नहीं था जो profession से blacksmith हो. It means लड़की के पिता ने उसे अपना दामाद मानने से मना कर दिया. So Quinton sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. अब क्विंटन ने क्या किया? वो पेंटर के स्टूडियो में चुपके से घुसा और उस मास्टर के लेटेस्ट पैनल पर, जिस बोर्ड पर वो अपनी नई पेंटिंग बना रहा था, उस पर एक मक्खी पेंट कर दी, और वो भी इतने रियलिज्म के साथ कि जब वो मास्टर अपने स्टूडियो में आया तो उसने मक्खी को उड़ाने की कोशिश की. इट मीन्स उस फादर को, मास्टर को पता ही नहीं चल पाया कि ये पेंटेड फ्लाई थी, ना कि ये सचमुच की मक्खी थी. Quinton was immediately admitted as an apprentice into his studio. A master Quinton ki is kala se itna jyada prabhavit ho gaya ki usne Quinton ko tabhi ki tabhi apne studio mein ek apprentice, ek learner, ek shishya ke roop mein rakh liya. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. इस तरीके से क्विंटन ने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली और वो अपने समय के बहुत ही ज़्यादा famous painters में से एक painter बन गया. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों कहानियाँ दिखाती हैं कि आर्ट की हर फॉर्म क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रही है. इट मीन्स राइटर ने पहले हमें चाइनीज स्टोरी सुनाई और फिर यूरोपियन. तो ये दोनों कहानियों में हमें पता चलता है कि जो फॉर्म ऑफ आर्ट है वो क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रही है. अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया. जो यूरोपियन कहानी है उसमें इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, एक भ्रम. जैसे मक्खी वाली कहानी का एग्जाम्पल, ऐसी मक्खी पेंट की गई कि लग रहा था कि सचमुच की ही मक्खी बैठी हो. दूसरी तरफ चाइनीज या एशियन कहानी कह लीजिए, उसमें क्या है, इनर लाइफ, स्पिरिट, मन, इमेजिनेशन, आंतरिक जीवन, आत्मा, उन पर फोकस किया जाता है. बच्चों अब राइटर वेस्टर्न और एशियन पेंटिंग के डिफरेंस को डिटेल में बताती है. शी सेज इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस. चाइनीज स्टोरी में क्या होता है, एक सम्राट पेंटिंग को बनवा लेता है और फिर उसको देखकर उसकी तारीफ करता है, लेकिन एम्परर उसके केवल बाहरी अपीयरेंस को ही देख पाता है. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. लेकिन ये आर्टिस्ट ही होता है जो उसे अपने वर्क, अपनी पेंटिंग के ट्रू मीनिंग, सही वैल्यू के बारे में बताता है. द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. अब राइटर कहती है कि एक सम्राट उन जगहों पर, उन राज्यों पर जो उसने जीते होते हैं, उन पर शासन कर सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट ही जानता है कि पेंटिंग के अंदर का रास्ता कहाँ पर है, किधर जाता है. सम्राट ने पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, लेकिन उस सम्राट को ये नहीं पता था कि पेंटिंग में एंटर कैसे किया जा सकता था. ये तो केवल उस आर्टिस्ट वु डाउजी को ही पता था. इसीलिए आर्टिस्ट कहता है, लेट मी शो द वे. सम्राट मुझे रास्ता दिखाने दीजिए. द डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स. डाओ एक ऐसा शब्द है जो चाइनीज शब्द है, इसका मतलब है रास्ता या तरीका और इस दुनिया के रहस्यमयी काम. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. अब देखो वु डाउजी की पेंटिंग का ही जिक्र चल रहा है, उसमें पेंटिंग गायब हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कलाकार वु डाउजी मानो अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो और उसका जो मकसद था वो किसी मटीरियल अपीयरेंस से दूर था. इसका मतलब भौतिकता से दूर, उसको सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है. बच्चों यहाँ पर राइटर कहना चाहती है कि एशियन पेंटिंग में पेंटर या आर्टिस्ट की इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसके मन, माइंड, इमेजिनेशन पर ही फोकस होता है. अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड
अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। बच्चों, चाइनीज लैंडस्केप में एक एक्चुअल रियलिस्टिक व्यू को प्रेजेंट नहीं किया जाता, जबकि वेस्टर्न पेंटिंग फिगरेटिव होती है, इसका मतलब क्लोज टू रियल होती है। जैसे देखिए, आपको दो इमेज दिखाई दे रही हैं, एक पिक में क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, कुछ धुंधला सा है, ये चाइनीज लैंडस्केप की पिक है। दूसरी तरफ यूरोपियन वेस्टर्न पेंटिंग की भी इमेज है यहाँ पर, जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नीला आसमान है, नदी है, पेड़ है। तो ये एग्जांपल है वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग का। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली As he saw it from a specific angle, European painter चाहता है कि आप उससे उसकी आंखें उधार ले ले और एक particular landscape को उसी नजरिए से, उसी एक specific angle से देखें जैसे उसने देखा था। तो बच्चों, एक यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप लैंडस्केप को उसकी ही नजरों से देखें। अब हम देखते हैं चाइनीज पेंटर क्या चाहता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। चाइनीज पेंटर सिर्फ एक ही नजरिया चूज नहीं करता। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि चाइनीज पेंटिंग में फिगरेटिव पेंटिंग नहीं होती है, रियल नहीं होती है, तो इसीलिए उसका लैंडस्केप रियल नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। तो लैंडस्केप रियल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं से भी इस पेंटिंग में एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब आप पेंटिंग को जिस तरीके से समझना चाहें आप वैसे ही समझ सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं, उस पेंटिंग में आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट ने बहुत सारे रास्ते बना दिए हैं कि आपकी आंखें ऊपर नीचे कहीं पर भी घूम सकती हैं। देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट, और उसके बाद उस पेंटिंग में घूमने के बाद आप वापस भी आ सकते हैं। लेजरली मीन्स बिल्कुल रिलैक्स्ड वे से, बहुत ही खुशी से रिलैक्स्ड होकर आप वापस भी आ सकते हैं। तो बच्चों, हमें पता लगता है कि एक चाइनीज पेंटर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है व्यूअर्स पर, बल्कि व्यूअर्स अपनी इमेजिनेशन से उस लैंडस्केप को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसमें किसी भी तरीके से एंटर कर सकते हैं। Explaining the importance of the viewer's imagination, the writer says, this is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of पेंटिंग। अब राइटर एग्जाम्पल देती हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल का, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। बच्चों, इसमें क्या दिखाया जाता है कि एक पेंटिंग को आप धीरे धीरे देखते हैं और फिर उसके बाद आप इस स्क्रोल को मोड़ते हुए, आगे घुमाते हुए दूसरी पेंटिंग को देखते हैं। तो इस तरीके से व्यूअर की इमेजिनेशन की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है और ऐसा काम करते हुए एक डायमेंशन ऑफ टाइम भी ऐड हो जाता है। इट मीन्स आपने एक रोल में एक पेंटिंग देखी, उसमें अपनी इमेजिनेशन से उसको और अट्रैक्टिव बनाया, उसके बारे में सोचा, फिर स्क्रोल को और आगे मूव किया तो दूसरी पेंटिंग आपके आगे आ गई। इस तरीके से व्यूअर की जो इमेजिनेशन का रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। राइटर कहती है कि इस तरीके की पेंटिंग ऐसे लगता है कि कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बच्चों, आपने देखा हॉरिजॉन्टल स्क्रोल में पेंटिंग का एक सेक्शन आया, फिर धीरे धीरे दूसरा आया, तो ऐसे में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, व्यूअर के एक्टिव पार्टिसिपेशन की। येस, द राइटर सेज इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें दर्शक के एक्टिव पार्टिसिपेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हु डिसाइड्स एट वॉट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, क्योंकि व्यूअर ही डिसाइड करेगा कि उसे जो यात्रा करनी है, इस पेंटिंग में ट्रैवल करना है, वो किस स्पीड से करेगा।
a participation which is physical as well as mental. अब writer कहती है कि ये viewer का participation physical level पर भी होगा और mental level पर भी. जैसे देखो Wu Daozi ने अपनी imagination से painting में enter कर लिया था, तो उसका ये participation physical भी था और mental भी था. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. बच्चों यहाँ पर हमें difference पता लग रहा है. European painter चाहता है कि आप उससे उसकी आंखें उधार ले लें, लेकिन Chinese painter क्या कहता है कि उसे आप जो है आंखें उधार ना लें, बल्कि आप उसके mind में ही enter कर जाएं. It means Chinese painter की जो imagination होती है, वो सारी imagination viewer के mind में भी आ जाए. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. तो Chinese landscape कैसा होता है? जिसमें आंतरिक बातें होती हैं, जिसमें spirituality, आत्मिकता होती है, feelings, imagination होती है, और ये abstract ideas होते हैं. It means आप इसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि imagination सिर्फ महसूस की जा सकती है. This concept is expressed as shenshui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. बच्चों अभी जो हमने बात की कि चाइनीज लैंडस्केप एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, एक इनर कॉन्सेप्ट है, तो उसी कॉन्सेप्ट को चाइनीज लैंग्वेज में शेंशुई कहा जाता है, और इसका शाब्दिक अर्थ एक ये भी होता है माउंटेन वाटर, पहाड़ और पानी, या नदी भी कह सकते हैं आप. अभी दोनों मिलकर क्या चीज़ दिखाते हैं? लैंडस्केप. इसका मतलब है जब भी हमें लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, तो हम क्या बनाते हैं? पहाड़ या नदी, यही दोनों चीज़ बनाते हैं. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. और अब ये सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? यूनिवर्स का डाओइस्ट व्यू. इसका मतलब इस ब्रह्मांड के बारे में जो डाओइस्ट व्यू है, वो यही बताता है माउंटेन और वाटर के बारे में. अब ये दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, एक दूसरे की पूरक हैं. जैसे देखो हम कहते हैं कि सोसाइटी में मैन और वुमन दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बिना ही सोसाइटी संभव नहीं है. तो ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट है जिसमें दोनों की वैल्यू होती है माउंटेन एंड वाटर की. इसको चाइनीज लैंग्वेज में शेंशुई भी कहते हैं, और यही यूनिवर्स का डाओइस्ट नजरिया या व्यू भी कहलाता है. अब राइटर माउंटेन और वाटर के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा और डिटेल में बताती हैं. द माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन. माउंटेन की शेप देखिए, ये कैसे है? वर्टिकल शेप है, और इसको चाइनीज लैंग्वेज में यांग कहते हैं. ये वर्टिकल शेप में खड़ा है और ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग को ही छूने वाला है. स्टेबल, ये स्थिर खड़ा है, वार्म है, गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और धूप में ये सूख भी गया है, शुष्क भी है. व्हाइल द वाटर इज यिन, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल. दूसरी तरफ वाटर को चाइनीज लैंग्वेज में यिन कहा जाता है, और इसकी शेप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल शेप में है. यहाँ पर वाटर का मतलब रिवर है. रिवर हॉरिजॉन्टल शेप में है, और ये धरती पर बहती है. ये लिक्विड है, फ्लूइड मीन्स ये लिक्विड है, नमी वाली है और ठंडी भी है. तो इस तरीके से राइटर हमें कॉन्सेप्ट बताती हैं यांग और यिन का. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यांग मीन्स माउंटेन एंड यिन मीन्स वाटर और रिवर. क्योंकि बच्चों देखो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और बच्चों अब राइटर बताती हैं यिन और यांग के इंटरेक्शन के बारे में. द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म. अब राइटर बताती हैं यिन जो है
वो प्रकृति का, यूनिवर्सल एनर्जी का, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक फेमिनिन एस्पेक्ट होता है। इट मींस यिन को एक फीमेल के रूप में देखा जाता है, इसे रिसेप्टिव माना जाता है। इसका मतलब ये नए नए आइडियाज, सजेशंस को एक्सेप्ट करती है। दूसरी तरफ इसका जो साथी है यांग, उसे मैस्कुलिन इट मींस मेल माना जाता है, और जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो उसे डायज़म का एक बहुत ही फंडामेंटल बेसिक नोशन माना जाता है। इसका मतलब डायज़म व्यू में इन दोनों के इंटरेक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। और राइटर कहती है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है बहुत ही ज़रूरी थर्ड एलिमेंट, जिसको मिडल वॉइड कहते हैं। और इस मिडल वॉइड में हमें क्या पता लगता है, जहाँ पर यिन और यांग का इंटरेक्शन होता है उसे ही मिडल वॉइड कहते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। अब राइटर कहती हैं यिन यांग या उनका इंटरेक्शन मिडल वॉइड, इस सारी प्रोसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम में क्या होता है, ब्रीदिंग इन, रिटेन, ब्रेथ आउट, द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। प्राणायाम में हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, और फिर हम रिटेन मीन्स सांस को रोक के रखते हैं, और कुछ पल के बाद हम उस सांस को बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से जो सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ होता है, इट मीन्स जो बीच का पॉइंट है जहाँ पर हमने सांस को रोक कर रखा, उसी को वॉइड कहते हैं, और उसी पल में हमारी सारी मेडिटेशन होती है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, और ये मिडल वॉइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, राइटर कहती हैं मिडल वॉइड के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। और अब राइटर वापस उसी कॉन्सेप्ट पर आ जाती हैं कि जैसे चाइनीज लैंडस्केप में जो जगह खाली छोड़ दी गई थी, जो वाइट थी, जिसको पेंट नहीं किया गया था, उसी को मिडल वॉइड भी कह सकते हैं। वो ऐसा ही पॉइंट था जहाँ पर व्यूअर को अपनी इमेजिनेशन दिखानी है। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस को राइटर प्राणायाम से जोड़ती हैं। यिन यांग मिडल वॉइड का कॉन्सेप्ट, एक तरफ प्राणायाम का कॉन्सेप्ट, और एक तरफ चाइनीज लैंडस्केप में वो कनेक्शन बताती हैं। Now the writer explains the role of man in the universe. बच्चों देखो, जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही है, एक तरफ हेवन है, दूसरी तरफ अर्थ है, और बीच में मैन खड़ा है। ऐसे ही आप कह सकते हैं यिन है, यांग है, और बीच में मिडल वॉइड है। तो मिडल वॉइड की बात करते हुए ही राइटर हमें मैन के रोल के बारे में बताती हैं। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ये वही जगह है जहां पर मैन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो हेवन और अर्थ के बीच में खड़ा है। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के इन दोनों पोल्स के बीच में संप्रेषण का एक चैनल बन जाता है। वो कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, मैन के थ्रू किया जाएगा। तो इस तरीके से राइटर मैन की ड्यूटी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। वो मैन को मानती हैं कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि उसे भगवान ने बहुत ही एक ज़रूरी काम सौंपा है। वो हेवन और अर्थ के बीच का एक चैनल है, ताकि आपस में भगवान की तरफ से मानो एक संदेश पहुंचाया जा सके धरती पर। और वो संदेश कौन पहुंचाएगा, मैन, इंसान। His presence is essential. उसकी उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसकी, मैन की। Even if it's only suggested, चाहे ये केवल सुझाव ही हो। Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, इंसान बहुत दूर है। किससे, ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में वो गुम नहीं हो सकता, ऊँचे पहाड़ उसे दबा नहीं सकते। He is, in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. वो तो फ्रैंकोइस चैंग के शब्दों को यूज किया जा रहा है यहाँ पर, द आई ऑफ द लैंडस्केप। उसे तो लैंडस्केप की आंख कहा जाता है। यहाँ पर देखो, लैंडस्केप का मतलब था एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट,
तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट की आई का मतलब है इंसान अच्छाई को आगे तक पहुंचाने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान ने उसे धरती पर एक खास मैसेज के साथ भेजा है, इसीलिए हम इंसानों का कर्तव्य बनता है हम धरती को नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही साथ राइटर ये भी कहना चाहती हैं कि लैंडस्केप की ब्यूटी को इंसान की आंखें अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि इंसान के पास दिल है और वो बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकता है, अपनी इमेजिनेशन से लैंडस्केप को समझ सकता है। Now comes the second part of the chapter. Here the writer discusses an article written by Brinda Suri, which was published in Hindustan Times on 28th of August 2005. यहाँ पर राइटर हमें आउटसाइडर आर्ट के बारे में बताती हैं। आउटसाइडर आर्ट का मतलब है बच्चों ऐसे कलाकार, ऐसे आर्टिस्ट जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, जिनके पास कोई खास डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी कला को दिखाया था। बच्चों देखो, किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए या कोई भी कला दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उस प्रोफेशन की डिग्री हो। कोई इंसान अपने दिल से भी पेंटिंग बना सकता है और उसी से सभी लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। तो उसी कॉन्सेप्ट की अब बात हो रही है। एंड द राइटर सेज, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940s, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 1940s में जब फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे ने आर्ट ब्रूट के कॉन्सेप्ट को विकसित किया था, आर्ट ब्रूट का मतलब अनट्रेन्ड आर्टिस्ट की आर्ट के बारे में, तो इसमें लोगों ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट लिया गया। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग्स आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। हालांकि आउटसाइडर आर्ट की बिगनिंग बहुत ही रहस्यमयी थी, वेल्ड थी, लेकिन धीरे धीरे अब इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। अब अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करते हैं तो आउटसाइडर आर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है। This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. जॉनर का मतलब होता है बच्चों अ काइंड ऑफ लिटररी और आर्टिस्टिक वर्क। यहाँ पर इसका मतलब है अनट्रेन्ड आर्टिस्ट की कला। तो उन लोगों के बारे में क्या कहा जाता है, ऐसे कलाकार जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, जिन्होंने औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली, इसीलिए उन्हें अधिकार ही नहीं है किस चीज़ का, आर्टिस्ट कहलाने का। हालांकि फिर भी ये सभी आर्टिस्ट अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपनी आर्टिस्टिक इंसाइट दिखाते हैं। इंसाइट का मतलब होता है बच्चों कैपेसिटी to gain something, to understand something deeply. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. और ऐसे आर्टिस्ट का कला, उनके वर्क एक कॉन्ट्रास्ट में होते हैं। किसके कॉन्ट्रास्ट में? मेनस्ट्रीम ऑफरिंग्स में। मेनस्ट्रीम ऑफरिंग का मतलब है वे कलाकार जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, वे कलाकार जो मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, वे कलाकार जो ट्रेडिशनल वे ऑफ पेंटिंग को फॉलो करते हैं। Around the time Dubuffe was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. बच्चों वो समय जब डुबुफे अपने आर्ट ब्रूट के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रख रहे थे, उस समय इंडिया में एक अनट्रेन्ड, अनट्यूटर्ड, टैलेंटेड व्यक्ति स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। बच्चों आप सबको पता होगा चंडीगढ़ का रॉक गार्डन आज पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो राइटर हमें यहाँ पर बताती हैं। Years ago, बहुत सालों पहले द लिटिल पैच ऑफ जंगल, जंगल के छोटे से टुकड़े को ही बिगैन क्लियरिंग, उसने साफ करना शुरू किया और एक गार्डन बना लिया खुद के लिए। गार्डन में क्या क्या था? स्टोन, रिसाइकल्ड मटीरियल, पत्थर और ऐसी चीजें जो टूट फूट गई थी उनको दोबारा से फिर से यूज किया गया था, और इन सारी चीजों से ऐसी मूर्तियां बनाई गई कि जो आज पूरी दुनिया में रॉक गार्डन के नाम से फेमस है। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट।
बच्चों, रॉक गार्डन के 80 वर्षीय क्रिएटर और डायरेक्टर नेक चंद का आज आउटसाइडर आर्ट के फील्ड में इंडिया की तरफ से सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर, सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति के रूप में स्वागत किया जाता है। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, अ यूके बेस्ड मैगजीन पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वॉटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। बच्चों, एक मैगजीन है यूके की रॉ विजन, जिसे आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन में पायनियर माना जाता है। पायनियर का मतलब है जो सबसे पहले किसी नई चीज को एक्सप्लोर करता है। तो इस मैगजीन में आउटसाइडर आर्ट के बारे में लिखा जाता है, उन्हें पब्लिश किया जाता है। ऐसी मैगजीन के 50th इशू स्प्रिंग 2005 ने नेकचंद और उनके रॉक गार्डन की स्कल्पचर मूर्तिकला विमेन बाय द वॉटरफॉल को अपने एनिवर्सरी के इशू कवर में जगह दी थी। बच्चों, इट इज अ रियली ग्रेट अचीवमेंट। और आप यहां पर विमेन बाय द वॉटरफॉल की इमेज भी देख सकते हैं। यू कैन एंजॉय दिस। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वाज ऑफ द वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट का ये विचारधारा कॉन्सेप्ट उन वर्क्स के बारे में मानी जाती थी जो कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस के संबंध में रिफाइंड स्टेट में नहीं माने जाते थे। इट मीन्स ऐसे वर्क, चाहे उनको कल्चरल नज़रिए से देखिए या आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस के संदर्भ में, उन्हें ये माना जाता था कि वे रिफाइंड स्टेट में नहीं हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक to a broken down car could be material for a work of art, something नेकचंद has taken to dizzying heights। लेकिन नेकचंद जी ने कमाल कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि हर चीज़ या कोई भी चीज़, चाहे वो टिन हो, सिंक हो या एक टूटी हुई कार हो, वो एक वर्क ऑफ आर्ट के लिए एक अच्छा मटीरियल हो सकती है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि सिंपल से सिंपल चीज़ से भी आर्टिस्टिक पीस क्रिएट किया जा सकता है। नेकचंद जी इन सब चीज़ों को आकाश की ऊंचाइयों तक ले गए। इट मीन्स उन्होंने अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works। उनके इस आर्ट को मान सम्मान देते हुए, किस रूप में, एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी मानते हुए, एक उत्कृष्ट प्रमाण मानते हुए, किस बात का कि कैसे एक सिंगल आदमी भी कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जब वह अपने सपने को जीने लग जाता है। इट मीन्स जब एक व्यक्ति अपने सपने को जी जान लगाकर पूरा करना चाहता है तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल देता है। ऐसा ही नेकचंद जी ने करके दिखाया और उनकी इस कला को मान सम्मान देते हुए स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि वो उन्हें उनके वर्क्स को यूरोपियन एक्सपोजिशन, यूरोपियन प्रदर्शनी लगाकर उन्हें मान सम्मान देंगे। द 5-month इंटरैक्टिव शो रेलम ऑफ नेकचंद बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। एक बड़ा सा शो जिसका नाम होगा रेलम किंगडम ऑफ नेकचंद, जो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगा और 5 महीने तक लगातार चलेगा। इसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के लीडिंग मुख्य म्यूजियम्स में आयोजित किया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल इंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। अब चाहे कितनी ही संस्थाएं नेकचंद जी को बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड दे रही हों, लेकिन नेकचंद जी के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रिवॉर्ड है उस गार्डन में चलना और ये देखना कि कैसे लोग उनकी क्रिएशन को इंजॉय करते हैं। सो दिस वॉज द आर्टिकल रिटन बाय बृंदा सूरी एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 28th of August 2005। So this was all about the chapter. I hope you have enjoyed it. And in the end, dear students, I would like to say, art is life and life is an art. So live your life in an artistic way. Thank you very much for watching this video.